हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे मूंग दाल की ध्रीड़े यानी कि चीले बनाएंगे। तो यहाँ मैंने मूंग दाल को भिगो कर रख दिया था ऑवरनाइट, और अब हम यहाँ मूंग दाल को एक मिक्सर ग्राइंडर में ले लेंगे और उसे पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने आधी मूंग दाल ले ली है, आधी मैं बाद में पीस लूँगी। और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, अभी साथ में ऐड कर देंगे। तो आप जितनी तीखी खाना पसंद करते हैं चीला, उस हिसाब से आप मिर्ची ऐड करें। तो मैं यहाँ लाल मिर्ची कम ऐड करूँगी, इसलिए मैंने हरी मिर्ची यहाँ ज़्यादा ऐड कर ली। तो हम डाल देते हैं इन्हें, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहते हैं। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में बनाकर फटाफट से बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची को डाल दिया है, और अब हम यहाँ ले लेंगे लहसुन। तो 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और उन्हें भी डाल देंगे, और हरा धनिया उसे भी डाल देंगे, और 1 चम्मच हम यहाँ जीरा ले लेंगे। और इन सभी को पानी डाल के अच्छे से हम बारीक पीस लेंगे। तो गाइस ये देखिए, मैंने यहाँ मूंग दाल को अच्छे से फाइन पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, और एक्स्ट्रा पानी डाल के हम वो डाल देंगे जिसमें बैटर चिपका हुआ है, धो के डाल देंगे हम। और इसका बैटर हमें थोड़ा पतला ही चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह का हमें, इस कंसिस्टेंसी में हमें इसका बैटर चाहिए। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा पालक ऐड कर दूँगी, इसमें थोड़े मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक से जो आपके ध्रीड़े हैं ना चीले, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर एक बार इस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ मैंने पालक को बारीक बारीक काट लिया है, बारीक बारीक काट ले, और बस हम इसे डाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी डालना है। आप इसे मूंग दाल के साथ पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर से ही डाल दिए। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट ली है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा मूंग दाल का बैटर रेडी है। तो यहाँ मैं तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम हमारे जो चीले वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और इस पर हम ये मूंग दाल का बैटर, आप टेस्ट कर ले नमक कम ज़्यादा है या नहीं। तो मैंने यहाँ टेस्ट कर लिया था, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने नमक और ऐड कर दिया ही, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि बाद में जब चीलों में कम नमक रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आप इसी स्टेज पे चेक कर ले। तो यहाँ हम थोड़ा सा बैटर फैला देंगे, और इस तरह से हम इसे डोसे का शेप दे देंगे, और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह से, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम इसे पकने देंगे। तो ये देखिए सिक चुका है, और ये थोड़ा निकल नहीं रहा है। जो फर्स्ट में हम चीला बनाते हैं ना, वो एकदम बिगड़ जाता है, मेरे से हमेशा ही बिगड़ता है। आपसे बिगड़ता है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो पहला चीला हमेशा इस तरह से चिपक जाता है, वो थोड़ा बड़ा भी बन गया था इसलिए वो टूट गया है, थोड़ा टूट गया है, पर कोई नहीं, बाकी चीले अच्छे बनेंगे। फर्स्ट का चीला हमेशा बिगड़ जाता है, तो इसे हम सेक लेते हैं। दोनों साइड से ऑयल डाल के, और यहाँ मैं साइड में थोड़ी सी चटनी बना लेती हूँ। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी नारियल की चटनी बना लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए हमारा डोसा सिक गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं फिलहाल, और अब हम दूसरा डोसा फैला देंगे। तो थोड़ा छोटा फैलाए, इससे टूटेगा नहीं, क्योंकि एकदम बहुत सॉफ्ट रहते ये डोसे चीले। तो आप थोड़े छोटे छोटे बनाए। तो देखिए अभी मैंने छोटा बनाया है, और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सेक लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सीख गया था, अब हम इसे पलटा देते हैं। ये देखिए फटाफट से निकल जाते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फटा ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें, और सामान भी कम रहता है तो भी बन जाते हैं। तो ये देखिए हमारे ये चीले बनकर रेडी है। तो मैंने ये फटाफट से सभी चीले बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से सभी हम चीले बना लेंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इस तरह से अब बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, वो फर्स्ट
जो जीला रहता है वो टूट ही जाता है। और यहाँ मैं साइड में चटनी भी बना रही हूँ, तो मैंने खोपरा और जो फूटाने रहते हैं सीखे हुए वो हरी मिर्ची, धनिया, जीरा ये सब डाल के खोपरे की चटनी बना ली थी। और साइड में मेरे चिले भी बन रहे थे। तो ये देखिए चिले तो बनते रहेंगे, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा डोसा भी बनकर रेडी हो गया है। तो आपको ये चिले की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमारा चिले बन गए हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तरह से सुबह सुबह आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बना कर दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।